मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत वाहन चोरी की घटनाएं बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। वहीं काशी मीरा से 2021 में फरवरी माह में एक ट्रक वो वसई के वालियू से जून माह में एक आयसर टेम्पो चोरी हो गया था, जिस पर पुलिस वरिष्ठों के आदेश पर 3-4 वर्ष पूर्व वाहन चोरी हुए मामलों की जांच फिर से शुरू की गई और यह जांच क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की टीम को दी गई, जिस पर यूनिट 1 की टीम ने मामले की गंभीरता को भांपते हुए तकनीकी जानकारी व मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अजहर अकबर शेख, समीर नशीर खान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद शौकत शाह शेख नशीर शहजाद मियां को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस आयुक्त ने एक पत्रकार परिषद ली, जिसमें पुलिस ने बताया कि ये आरोपी गाड़ियां चोरी कर फर्जी दस्तावेज के सहारे अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड के विविध आरटीओ में जाकर चोरी की गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाते थे और फिर उसमें दूसरे दस्तावेज बनाते थे। वे चोरी की गाड़ियों के नकली दस्तावेज बनाकर उनका नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर व अन्य पहचान मिटाकर उसमें दूसरे फर्जी कागजात लगाकर उसे महाराष्ट्र या अन्य राज्यों में बेच देते थे। पुलिस को इन आरोपियों के पास से 7,32,41,000 कीमत के 47 चोरी के वाहन बरामद हुए हैं, जिसमें 14 टाटा ट्रक, 10 हाइवा टिपर, 8 आयसर टेम्पो, 9 अशोक लेलैंड ट्रक, 1 मारुति सुजुकी आर्टिका, 1 मारुति सुजुकी वैगनार, 1 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, 1 टोयोटा इनोवा, 1 फोर्स क्रूजर व 1 महिंद्रा शामिल है, जिस पर 3 चोरी की गाड़ियां पुलिस ने उनके सही मालिकों को सौंप दी है। वहीं इस बड़े मामले का पर्दाफाश करने वाले पुलिस कर्मियों का सम्मान भी किया गया किया है। लेकिन इसमें जहाँ आरोपी आपने पकड़े हैं, लेकिन इनको मिली भगत जिन आरटीओ के थ्रू होती है, जैसा नागालैंड का पता है, क्या उन आरटीओ के अधिकारियों कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया गया है क्या, कि उनको मदद की उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? अब इसमें मदद की गई है या सिस्टम में जो लूपहोल है उसका फायदा उठाया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। हम लोग उससे कर रहे हैं। इससे पहले भी इसी तरह का एक केस अपडेटेड किए थे, उसका नहीं, वो जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट था। उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें नागालैंड और अरुणाचल का मेरे ख्याल से जो सिस्टम का जो लूपहोल है उसका जिस तरीके से इस केस में यूज किया गया वैसा उसमें नहीं था। सर, 3 मार्च 2023 को आपने बाकायदा एक पत्रकार परिषद ली थी, उसमें एक आयशर गाड़ियों का खुलासा किया था, क्या बहुत बड़ा स्कैंडल चलता है, क्या ये उसी की आगे की एक कड़ी है या ये अलग मामला है? ये थोड़ा अलग मामला है। सर, ये आरोपी इससे पहले किसी मामले में अरेस्ट हुए हैं? वो मैंने आपको बताया है, उसमें से पहला जो आरोपी है, जो प्रेस नोट आपको दी गई है, पहला जो आरोपी है उसके ऊपर में इसे 3 केसेज है, उसमें लास्ट 2016 का है। दूसरा वाला जो है उसके ऊपर में 5 के नहीं, दूसरे वाले के ऊपर पे 3 है। अरेस्ट हुए सर या बेल पे हैं लोग? उसमें तो बेल पे हैं, उसमें अरेस्ट हुए और बेल पे। सर, ये क्या काम करते सर आरोपी? ये ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड ये गाड़ियों का खरीद बिक्री का धंधा करते हैं। क्या सर ये लोग का कोई और भी गॉडफादर है क्या, ये खुद ही गॉडफादर थे? देखिए, आप मतलब एक थ्योरी एक लीडिंग क्वेश्चन करके फिर उसको मेरे मुंह में हाँ या ना करके ना करते, हम लोग इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा हम लोग करेंगे। त्यापन तपासा का मुद्दा है, त्यापन बघूया। सर, इनका सुराग कैसे मिला और कैसे पकड़े गए? तो सुराग जो है वो ये है कि अगर आप लगे रहिए तो सुराग मिल ही जाता है। इसमें हमारे क्राइम ब्रांच के एपीआई है कांगोडे, एपीआई कांगोडे है, कोटे थे एपीआई कांगोडे। इतनी टीमें काम कर रही थी सर? इसमें क्राइम ब्रांच के हमारे जो लोग थे वो काम कर रहे थे, स्पेशली यूनिट 1, और वो पीछे में ऑफिसर है इधर आ भाई। सर, कितने का मुद्दे माल है ये? 7 करोड़ बताया, 7 करोड़ 32 लाख 41 हजार। आ जाओ भाई, बेसिकली लेट बाई हिम। सर, पीछे आइए ना सर, इसमें और भी चांसेस है आरोपी बढ़ने के? बिल्कुल है।
सर जो ये ट्रक थे वो किन लोगों को बेचे जाते थे और उसके लिए क्या पैटर्न इस्तेमाल होता था? तो वो जो है हमारा जैसे ऐसा है कि मार्केट में किसी को चाहिए सेकेंड हैंड, उसने ये लोग धंधा करते हैं तो उनको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद में इसने बताया कि एक इस मेक का है ऐसा है, और तो इन्होंने उसको बेच दिया, पेपर दिखाए। तो अब वो जो बंदा है उसको ये पता था कि नहीं था कि ये माल चोरी का है, वो एक क्रूशियल फैक्टर है। हो सकता है कि उसको पता नहीं भी हो, इसलिए वो हमको देखना पड़ेगा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सेल में। अगर बहुत ही ज़्यादा सस्ता है तो उसको डाउट होना चाहिए। सर वो किस नंबर की गाड़ी, अरुणाचल प्रदेश की नंबर की गाड़ियों पे बेचते थे या महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी? महाराष्ट्र का। सिर्फ महाराष्ट्र में बेचा गया कि महाराष्ट्र के बाहर भी बेचा गया? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक यूपी में एक FIR हुई है और एक अभी जो पकड़ी गई थी बाहर भी बिक्री हुई थी। अभी वाले में तो महाराष्ट्र की ही जानकारी है। जिस तरह से आपने कहा कि इस पूरे मामले में जो अपराधी थे वो कानून में जो कमियां थी उसका फायदा उठाते थे एक दूसरे राज्य का, तो उस लूपहोल को भरने के लिए किस तरह का कुछ आपकी तरफ से वो रहेगा क्या? हम लोग इसमें एक दो दिन बाद में, एक दो हफ्ते में और जो इन्वेस्टिगेशन हमारे से कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके एक एनालिसिस करके संबंधित जो हफ्ते को मुद्दे समझ में आते हैं वो हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट्स को लिखेंगे। आरोपी बनने की संभावना है क्या? बिल्कुल है। सर अभी जितना माल जमा हुआ है अभी इसमें कुछ रिटर्न करने वाले हैं आप? हाँ, आपके सामने जो व्यक्ति जिसका वाड़ी से चोरी हुआ था, वाड़ी वाले ना, वाड़ी से 2021 में जिनका वो आयशर क्या था ट्रक, आयशर, तो वो यहाँ पे हाजिर है, तो उनका ट्रक आज हम उनको वापस। मीरा भाईंदर से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।